हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। आज मैं इतना लेट उठी हूँ, सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई थी, फिर से सो गई, फिर जाके उठी मैं 8 बजे। तो फटाफट से उठ के फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया और झाड़ू मम्मी ने लगा दिया आज। और अभी जा रहे हैं मैं और मम्मी खेत गोबर लेके, तो मिलते हैं आपसे अब सीधा खेत में। मम्मी कर रहे हैं वहाँ गोबर बराबर, जहाँ गोबर ये रखा है हम इसको बोलते हैं मलोई। और मैंने थोड़ा सा धनिया निकाला है साइड साइड से, वैसे इसमें जो है बीज लगना शुरू हो जाएंगे अब, तो साइड साइड से थोड़ा सा ही निकला। थोड़ा सा लहसुन ले चलूँगी क्योंकि गांव में एक मामी है, उन्होंने बोला है कि उनको खाना है गरगल का मुरब्बा। तो देखती हूँ आज टाइम लगता है तो आज बनाती हूँ या तो कल। नमक पीस के रख दूँगी आज। इस वाले खेत में हमारा बहुत अच्छा गेहूँ हुआ है और बाकी में भी ठीक है, बट इतना नहीं है जितना कि ऊपर, जितना कि इधर है। ये कर दिया बराबर, लहसुन और धनिया हो गया। अभी धूप में बैठकर करी मैंने चंपिंग वालों में
लगाया मैंने कोकोनट ऑयल और मुझे इतना पसंद है ये, लगाते लगाते ऐसे लगता है जैसे इसको खा जाऊँ, खुशबू बहुत प्यारी लगती है। और मम्मी पापा और नाना जी जा रहे हैं, मेरी मासी का बेटा है जिमजिमा में जो उसके घर उधर प्लॉट जैसा बनाया उन्होंने, तो नाना मेरे पुल तक चले गए वहाँ तक पैदल, तो वहाँ से रिसीव करेंगे पापा मम्मी उनको, जा रहे हैं। शिवरात्रि बैजनाथ से आ रहे हैं देवता जी, रथारा देवता को, तो पापा ने बोला है कि यहाँ पे बिठाने थोड़ी देर, तो बस तो बैठ ही जाते पर पूछना पड़ेगा फिर भी, तो पापा लाए थोड़े से फ्रूट्स वगैरह, तो जाती हूँ मम्मी की हेल्प करती हूँ और आप लोगों को भी करवाती हूँ दर्शन। अच्छे से हो गया सारा, कौन चंपू बन गया प्रसाद है। मैं और मम्मी ही है खाने वाले, पापा चले गए देवता के साथ गांव में, और अब दो जनों के लिए क्या सब्जी बनानी सोचो पड़ गया, अभी मैगी बना रही हूँ, आँख में पानी डालना पड़े मुझे, फिर से आँख में दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही इसमें।